आपने बताना है कि शौर्य किस ग्लास में पानी पी रहे हैं और किस यूटेंसिल में खाना खा रहे हैं। बेसिकली मैं इनको या खुद भी इस वेसल में इसलिए खाना खाती हूँ, इस मेटल में, इस मटेरियल में इसलिए खाना खाती हूँ क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है। सिल्वर कोलोइडल आपने सुना होगा, होम्योपैथी में एक मेडिसिन भी आती है सिल्वर कोलोइडल, तो बेसिकली वो भी इम्यूनिटी के लिए दिया जाता है। सो मेरे दादी के टाइम से, मतलब वो ना एक खजाने की तरह छुपा छुपा के रखती थी और कहते ना चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। हिंट मैंने आपको दे दिया है और कहते ना बेबी ग्रोन विद द सिल्वर स्पून। सो ऐसी तो बहुत सारी कहावतें हैं, लेकिन इसके अलावा आपके वाटर को प्यूरिफाई करता है, एडल्ट्रेंट्स को रिमूव करता है और सिल्वर एक्सट्रैक्ट, मतलब कहते हैं आयुर्वेदा में भी सिल्वर एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया जाता है। और हम कहते हैं कि जिस बर्तन में आप खाना खाते हैं ना वो मेटल जो है वो लीच आउट होता है, इसलिए मैं हमेशा एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खाने को मना करती हूँ, प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाने को मना करती हूँ। ये दो मेटल आप प्लीज़ यूज़ मत कीजिएगा, लेकिन हाँ ये मेटल आपने बताना है कि कौन सा है, और आप अगर बताते हो तो यू विन माई हार्ट, शौर्यस ब्लेसिंग्स, शौर्यस लव एंड नॉलेज, ढेर सारा नॉलेज। और इसके अलावा बच्चों को खाना देना इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके आईक्यू, इनके ब्रेन पावर को बूस्ट अप करने के लिए, बच्चों की दिमागी शक्ति को बढ़ाने के लिए इस मेटल में ज़रूर खाना देना है। तो इस धनतेरस सिल्वर खरीदा था कि नहीं खरीदा, क्या खरीदा बता देना, क्विज टाइम, बताइए ये क्या है।